हासू फिल्मों की बात करें तो टाइगर 3 अभी के लिए बेस्ट नाम है, क्योंकि लोग इससे अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं और अच्छा सा प्यार और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम ये तो जानते हैं ये फिल्म आने से पहले काफी चर्चा में थी और लोग इसे देखने के लिए भी काफी बेताब थे। इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस को जिसका चस्का लगा था वो था इस फिल्म की कहानी और अच्छा खासा एक्शन और बेहतरीन एंटरटेनमेंट से इस फिल्म का ऑडियंस से बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। और शाहरुख खान की एंट्री से तो इसमें सोने पे सुहागा हो गया, जो कि ऑडियंस को चीखने और चिल्लाने पे मजबूर कर देता है। और इन दोनों स्टार को देखकर ऑडियंस के हाथ से ताली और मुंह से सीटी की बौछार हो जाती है, जिसे हम कहते दीवानगी। टाइगर 3 में जो सलमान सर ने धूम मचाई है वो तो वाकई में कमाल है। फिर इमरान हाशमी सर ने जो धूम मचाई है वो तो धांसुई है। इन्होंने खुद को जो बनाया है उससे इनको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया कि इनकी स्क्रीन पे आते ही ऑडियंस की तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। ऐसा अगर किसी विलन के लिए हो तो भैया कुछ तो बात है बंदे में, जो इससे इतना अलग और ऊपर तक ले जाती है। ये तो इनकी मेहनत और काबिलियत है, जो कि इन्हें किसी भी किरदार में अच्छे से ढाल देती है। कैटरीना मैम ने इसमें जोया का एक अहम किरदार निभाया, जो कि बहुत अलग और अनोखा लग रहा है। स्क्रीन पे इनकी भी एंट्री होते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। और मैं इनके इस सीन से तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि ये जितना परफॉर्म करने में टफ है उतना ही टफ इसे शूट करने में है, जो कि देखते ही देखते दिमाग को घुमा देता है। और इससे पता चलता है इसमें कितनी ज्यादा मेहनत की गई होगी। ये कहानी पूरी तरह से मास्टर माइंड है, जो कि हर जगह दिमाग का खेल है और दिमाग को घुमा देना इन सबका खेल है। इस मूवी में एक्शन के साथ कहीं कहीं जो फनी शॉट है वो तो काफी अच्छा है, जैसे कि आपने देखा होगा शाहरुख सर और सलमान सर का कन्वर्सेशन, जो कि एक अच्छा फेस स्क्रीन है। इस मूवी को देखने का मजा तभी है जब आप हर सीन को अच्छे से देखकर एंजॉय कर सके, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सस्पेंस है, जो कि देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बात करें पठान और टाइगर की तो लोगों की अपनी अपनी पसंद हो रही है, पर आप अपनी चॉइस बता सकते हैं। पर मेरे ख्याल से सबको दोनों फिल्में काफी कमाल की लगी होंगी, क्योंकि दोनों फिल्में काफी सही हैं और दोनों में अपनी अपनी एक अलग अलग मेहनत है, पर काम एक ही है, वो है देश के प्रति वफादारी और ईमानदारी और देश के लिए कुछ बेहतर करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।